अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड कल के वीडियो में मैं यहाँ तक के बुनना आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि हमें किस तरह से बुनना है, और आगे का डिज़ाइन मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके मेरे चैनल पर पिछला वीडियो मतलब कल के वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। ये डिज़ाइन बुनने का तरीका मैं इसमें बता चुकी हूँ, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए अब आगे का डिज़ाइन आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड आगे का डिज़ाइन हमें बनाने के लिए यहाँ से लेना होगा बीचों बीच लड़ी का। यहाँ पे हमें छोटा सा गांठ लगा लेना है, उसके बाद एक दो चार दो तीन तीन फंदे लेना है हमें, एक दो चैन, उसके बाद हमें दूसरा लड़ी यहाँ से लेना है, एक दो तीन, उसके बाद हमें फिर चैन लेना है, फिर तीसरा लड़ी, फ्रेंड हमें इतना बड़ा बड़ा चैन लेना है। हम छोटा छोटा दो चैन ले रहे थे तो यहाँ पे छोटा पड़ जा रहा था, इसलिए हम इतना बड़ा बड़ा चैन लेंगे। और यहाँ से लड़ी उठाकर इस यहाँ से हम तीन तीन फंदे करके इस तरह से फ्रेंड ये गेट पर्दा बहुत ही प्यारा है, इसलिए कई पार्ट में होंगे। आप लोग ये गेट पर्दा बनाना चाहते हैं तो पूरा पार्ट देखिएगा। एक पार्ट में मैं बनाऊंगी तो बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए ये वीडियो कई पार्ट में आएंगे। तो देखिए फ्रेंड इसी तरह हमें सभी किनारे पे यहाँ तक के पूरे लड़ी में बनानी है तीन तीन फंदे लेकर। तो देखिए फ्रेंड ये मेरा पूरा रंग यहाँ तक किनारे तक तैयार हो गया है तीन तीन फंदे लेकर। और इतना बड़ा बड़ा पांच चैन लिया हूँ और तीन तीन फंदे यहाँ से लिए हैं, इसलिए अब आगे का डिजाइन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ से हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे, एक तो चल लेंगे और यहाँ पे हम फॉर्म बनाएंगे। दो तीन हमें यहाँ पे छः फंदे लेकर छोटा सा पफ तैयार करना है, उसके बाद एक दो चैन देना है, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे पफ बनाना है। तो देखिए फ्रेंड ये मेरा दोनों कप रेडी हो चुका है और इसे यहाँ पे लाके हम ज्वाइन करेंगे।
यहाँ पे हम इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड, फिर हमें यहाँ पे दो चैन बनाना है, एक दो, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे पफ बनाने हैं। यहाँ पे छोटा सा पफ और बनाना है हमें, देखिए इस तरह से। एक दो चैन, तो देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ तक के बना लिया। इसी तरह हम पूरे राउंड पे बना लेना है, तो चलिए पहले बना ले रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया, यहाँ तक हमने पूरा किनारा बना लिया। चलिए अब यहाँ से फिर वाटर से हमने
बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अब हमें किस तरह से इसमें डिज़ाइन लगाना है। देखिए एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन उसके बाद यहाँ पे हमें इसमें ज्वाइन करना है इस तरह से। ज्वाइन करने के बाद एक दो चैन फिर हमें यहाँ पे पफ बनाना है। तो देखिए फिर हमने यहाँ पे पाँच पंख लेकर पफ तैयार कर लिया। एक दो चैन फिर एक और पफ यहाँ पे बनाएंगे। और यहाँ पे चैन देकर और यहाँ पे इसमें ज्वाइन हम इस तरह से कर देंगे। एक दो चैन ठीक है, इस तरह से चैन करना है। देखिए फ्रेंड दो चैन देकर फिर हमें यहाँ पे तो बनाना है। फिर एक दो चैन फिर यहाँ पे पफ बनाना है। और फिर इसे हमें यहाँ इस वाले में लगा ज्वाइन करना है इस तरह से एक दो चैन देकर। देखिए तो ये ज्वाइंट होकर कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी तरह हमें पूरे किनारे किनारे ऐसे ही दो दो पफ बनाकर ज्वाइंट कर लेना है यहाँ किनारे तक के। तो देखिए फ्रेंड यहाँ तक हमने सभी लाइनें कंप्लीट कर ली है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये थोड़ा। चलिए अब आगे का डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आगे हमें किस तरह से बनानी है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ से हमें तीन फंदे लेना है। एक दो तीन एक दो तीन चार पाँच चैन फिर इसको लेंगे। एक दो तीन एक दो तीन चार पाँच फिर यहाँ से हम तीन फंदे लेंगे। एक दो तीन देखिए आप लोग से बता रही हूँ किस तरह से ये डिज़ाइन बन रहा है इस तरह से। इसी तरह हमें बनानी है।
एक दो तीन चार पाँच तीन चार पाँच तो फ्रेंड इसी तरह हमें सभी डांस कंप्लीट करना है किनारा तक इसी तरह तीन तीन फंदे लेकर हमें कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरह से तो फ्रेंड इसी तरह हमें यहाँ तक है कंप्लीट करना है।